हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ITC स्टॉक के बारे में। ITC स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए एक गुड न्यूज़ है, और वो गुड न्यूज़ ये है कि ITC इंडिया की 7th लार्जेस्ट कंपनी बन चुकी है बाय इट्स मार्केट कैप। लास्ट वीक फर्स्ट टाइम इस कंपनी ने अपना 5 लाख करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप क्रॉस किया, और इसके साथ ये इंडिया की 7th लार्जेस्ट कंपनी बन गई, और इसने रिप्लेस किया HDFC को। पहले जहाँ पे HDFC 7th पोजीशन पे थी बाय इट्स मार्केट कैप, अब उसको प्लेस करके वहाँ पे ITC ने अपनी पोजीशन बना ली है। और ये भी मानना है कि आने वाले टाइम में हो सकता है ये इन्फोसिस को भी पीछे छोड़ सकती है, क्योंकि फिलहाल इन्फोसिस 6th पोजीशन पे है, और इन्फोसिस के मार्केट कैप और ITC के मार्केट कैप में अब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो 5 लाख करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप टच करने के साथ ही इस स्टॉक ने लास्ट वीक अपना ऑल टाइम हाई बनाया, और ये स्टॉक 507 के आसपास का जो लेवल है इसने टच किया। वहीं अगर पिछले साल देखें तो पिछले साल मई 2022 में इस स्टॉक ने अपना 52 वीक्स का लो भी बनाया था, लेकिन उसके बाद पिछले 6 महीने से इस स्टॉक में एक टर्न अराउंड देखने को मिला है, और वहां से इस स्टॉक ने एक अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। अब इस साल की बात करें अगर परफॉर्मेंस की, तो इस साल जहां हमें मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, काफ़ी स्टॉक जैसे IT सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर में हमें डाउनफॉल भी देखने को मिला है, वहीं अगर हम बात करें ITC की, तो ITC ने अब तक इस साल में 22% का रिटर्न बना के दिखाया है। वहीं पिछले एक साल में 56% और 50% एंड देन पिछले 2 सालों में 100% तक का रिटर्न बना के दिखाया है इस स्टॉक में। तो अभी हम बात कर रहे थे ITC की, तो ITC का अगर हम बिज़नेस मॉडल की बात करें तो इसका जो मेन जो रेवेन्यू है वो टोबैको से आता है। वैसे तो FMCG के सेक्टर में भी अब कंपनी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और इंडिया की लीडिंग कंपनी बनने की रेस में आगे चल रही है, लेकिन इनका जो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो अभी भी टोबैको की से ही आता है। तो इनका जो 40% का जो रेवेन्यू है वो टोबैको फील्ड से ही आता है। दूसरा फिर 27% रेवेन्यू जो है इनका FMCG के सेक्टर से आता है, जहाँ पे डिफरेंट ब्रांड जैसे ITC का अगर आटा देखें, अगरबत्ती, सनफीस्ट, यिप्पी, नूडल्स वगैरह जो प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, तो वहाँ से इनका 27% का रेवेन्यू आता है। इनका 2% रेवेन्यू जो है वो होटल सेक्शन से भी आता है, होटल बिजनेस से भी आता है। देन नेक्स्ट बात करें इनका 21% का जो रेवेन्यू है वो इनका एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट से आता है, और 11% का जो इनका रेवेन्यू है वो इनका पेपर बॉन्डिंग एंड इनका पैकेजिंग वगैरह से आता है। तो ये इनका सेगमेंटेड है, लेकिन तो अभी भी जो इनका जो मेन रेवेन्यू है वो टोबैको इंडस्ट्री से ही, जो टोबैको का इनका मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग है उससे ही आता है। तो ये कंपनी के बिज़नेस मॉडल की बात हो गई, परफॉर्मेंस की बात हो गई। अब कंपनी के अगर हम एक फाइनेंशियल्स पे एक नज़र डालें तो वहाँ पे से हम देखते हैं कि कंपनी का जो मार्केट कैप है, जैसा हमने बताया कि 5 लाख करोड़ रुपीस को क्रॉस कर चुका है, अभी ये अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। करेंटली 408 के पे ये ट्रेड कर रहा है। कंपनी का ROCE और ROE दोनों ही जो है वो अच्छा है, 15% से ज़्यादा है। सबसे अच्छी बात है कि कंपनी जो है डेट फ्री है, कंपनी के पास बिल्कुल भी डेट नहीं है, कंपनी डिविडेंड भी देती है, कंपनी के पास रिजर्व्स भी हैं, तो ये सब काफ़ी अट्रैक्टिव पॉइंट है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पे अगर आप ध्यान दें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको दिखेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वो बढ़ा है, वहीं नेट प्रॉफिट भी इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। तो ये सब एक अट्रैक्टिव पॉइंट है, लेकिन जो निगेटिव पॉइंट है वो है कंपनी की सेल्स ग्रोथ जो 10% से कम है। तो ये एक डेट फ्री कंपनी है, डिविडेंड देती है, कंपनी का ROC ROE अच्छा है, तो काफ़ी पॉजिटिविटी दिख रही है कंपनी में। क्वार्टरली रिजल्ट में भी हमें दिख रहा है कि इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, लेकिन निगेटिव पॉइंट है कि कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो काफ़ी कम है, 10% से कम है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। पीछे मुड़ के आगे देखें तो पिछले कुछ सालों में हम देखेंगे कि ये स्टॉक जो है वो एक ही जगह कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन पिछले 6 महीने में इस स्टॉक ने एक टर्न अराउंड करके दिखाया है और अच्छा जंप करके दिखाया है। तो हमें पुरानी परफॉर्मेंस को भी ध्यान रखना है, लेकिन फिलहाल जो इस स्टॉक ने अच्छा टर्न अराउंड करके दिखाया है, इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि जो रैली अभी आई है इसमें ये आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। तो अगर इस स्टॉक की बात करें तो अगर इसके पीयर कंपैरिजन को देखें तो इनके जो पीयर्स हैं पर इमामी, इन सब के कंपैरिजन में भी ये स्टॉक जो है अभी वो अच्छा कर रही है, और इस साल तो इस स्टॉक ने एक अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। तो ये एक अगर अब इस स्टॉक में क्या करना चाहिए या आगे क्या हो सकता है, तो ये एक मल्टी बैगर रिटर्न देने वाली कंपनी तो नहीं है, मल्टी बैगर कंपनी नहीं है ये, लेकिन आने वाले टाइम में ये जो रैली इसमें आई है तो ये जो स्टोरी इसमें क्रिएट हो रही है वो आगे कुछ तो आगे अच्छा हो सकता है आगे, जो शायद हमको नहीं मालूम है। तो इसके लिए अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप उसको लॉन्ग
टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं कि क्योंकि आगे ये एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक बन सकती है, 15-20% 25% तक का रिटर्न ये आगे दे सकती है। तो इसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। और बाय ऑन डिप्स की एडवाइस है, जहाँ पे ये स्टॉक थोड़ा भी डिप करता है तो आप उसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो इस स्टॉक में जो है एक अच्छी मूवमेंट अभी देखने को मिली है, इसमें आप वॉचफुल रहें, और जैसे ही लगता है कि अगर आपको ऐड करने का मन है या फ्रेश बाइंग लेना चाहते हैं तो आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, और अगर आपके पास है ऑलरेडी तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। तो होप करती हूँ आज का ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा हो तो लाइक ज़रूर करिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और अगर आपको किसी भी तरीके की फाइनेंशियल नीड है, आपको स्टॉक मार्केट की क्लासेस करनी है, या आपको SIP म्यूचुअल फंड रिलेटेड कुछ आपको इंक्वायरी है, या आपको डीमैट अकाउंट खुलाना है, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी डिटेल्स आपको हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल पर आपको हमारे डेली के अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करके रख लें, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए कनेक्टेड रहें। थैंक यू।